और आप देख सकते हैं ये ही यहाँ पे खींचा चला लिया। और यहाँ कितने बजे पहुँचे थे? पहुँचे 10 बजे से अभी तक यहीं पे हो? निवास के रूप में लिया और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना शुरू किया। आज बहुत ज्यादा शुरुआती दिन है ना, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। अब गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी जो है फिलहाल ठीक हूँ। मैं आया हूँ आज कालकाजी मंदिर दर्शन करने। चलो आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग एरिया है। ये कमल मंदिर के गेट थोड़ा सा आगे से, यहाँ से लाइन लगी हुई है। यहाँ से शुरू हो जाता है लाइन और पूरी वहाँ तक कालकाजी मंदिर तक लाइन है। मंदिर तक, नॉट ओनली मंदिर तक, इसके अंदर घुस के ना एक अलग सा ऐसे वे बनाया हुआ है। वहाँ से तगड़ा वाला भीड़ होने वाला है। कुछ लोग तो आ रहे हैं अभी लाइन लगने के लिए, कुछ लोग उधर से आके लाइन लग रहे हैं, फिर इधर से जा रहे हैं। फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सुबह प्रसाद बेचने वालों को भी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, देख सकते हो। ये लोग भी टीका उका लगा रहे हैं। कौन है ये? किसका बच्चा है? कितने क्यूट है। तो भाई चाट खाना है तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। यहाँ बैठ के मैं बेचूंगा चाट, आप लोग खरीद के खा सकते हैं। देखो चाट, अल्लाह लाइन, देखो लाइन। कालकाजी मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कालकाजी मंदिर कालकाजी में स्थित है। ये मंदिर कालका देवी, देवी शक्ति या दुर्गा के अवतार में से एक को समर्पित है। कालकाजी मंदिर को जयंती पीठ भी कहा जाता है। लाइन इसके अंदर, पहले यहाँ से सीधा ऐसे लाइन था, अब यहाँ से घुस के देखो क्या मुजस्मा बन गया है यहाँ पे। यहाँ पे घूम घूम के जाना पड़ेगा। कम से कम यहाँ पे निकलने के लिए आधा घंटा लगेगा, कितना भीड़ है। सामने मेट्रो स्टेशन है, यहाँ उतर के आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। इसकी कोई टेंशन है नहीं। ये देखो छोटे बच्चे बैलून लेकर घूम रही है। कहाँ से आयो? पलवल से आयो? अच्छा, पलवल से आई है छोटी सी बच्ची। सो गाइस, देख सकते हैं पीछे तक पूरा का पूरा भीड़ है। पूरे मेट्रो से निकल के लोग आ रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा भीड़ है यहाँ, देख सकते हैं। और यहाँ से जाएंगे पीछे की तरफ, वहाँ से लाइन लग के आएंगे। साथ नारियल, चुन्नी, सिंगार, फूल, प्रसाद, पेड़े, ताले, प्रसाद, साथ माइकी में। एंट्री नहीं है, देखो यहाँ बाहर से जूते वूते रख सकते हैं आप। देखो जूते वूते रखने का है। यहाँ से मेट्रो भी सामने से जा रही है। चलो अंदर चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, पूरा बाहर से लाइन लगी हुई है। यहाँ पे एंट्री वैसे नहीं है, आप लाइन से आना पड़ेगा आप लोगों को। कालकाजी माई की जय के नारे गुजरे हैं। ये देखो लाइन पे लगे हुए हैं सबके से। इधर पंडाल लगा हुआ है, पूरी लाइन लगी हुई है। काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया हुआ है यहाँ पे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भीड़ भड़ा का जान ना हो ना, उस वजह से जो है लाइन से आने के लिए कहा गया है। तो सारे लोग लाइन से आ रहे हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। देख सकते हैं सिक्योरिटी के चार चौबंद तैयारियां चल रही है गाइस। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे आने के लिए। मैं तो इधर से जा रहा हूँ। भीड़ तो बहुत है, बाहर से लेके लंबी लाइन लगी हुई है। पंखे होंगे ये देखो, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। भीड़ तो काफ़ी है, इतना ज़्यादा भीड़ है ना कहने से। अब सुबह कितने बजे आए थे? सुबह आए थे घर से, चले थे 8 बजे। अब यहाँ कितने बजे पहुँचे थे? पहुँच गए लगभग 10 बजे। 10 बजे से अभी तक यहीं पे हो? सुबह से अभी टाइम हो गए 11:30 हो गए, लेकिन 10 बजे के आए हुए लोग अभी तक लाइन में ही है। गेट इधर से भी है, दूसरा वाला गेट इधर से भी है, लेकिन धीरे धीरे करके एंट्री कर रहे हैं अंदर की तरफ। रास्ता इधर से भी है ना, धीरे धीरे करके एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी ना तो भगदड़ मच जाएगी। इस वजह से जो प्रशासन ने काफ़ी अच्छा इंतजाम किया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। या मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है, जिसका सात्विक अर्थ है भक्ति की सभी इच्छाएं देवता देवी कालका ने यहाँ पूरी की है। और आप देख सकते हैं ये ही यहाँ पे खींचा चला ले आता है। आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे इसी चीज के लिए लोग खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ का मान्यता बहुत ज्यादा है।
मूर्तियाँ वूर्तियाँ लगी हुई है सामने। जय भोलेनाथ। अभी थोड़ा सा भक्ति का आनंद लीजिएगा। जिन्होंने इस मंदिर को अपने निवास स्थान के रूप में लिया है, सामान्य धारणा यह है कि यहाँ देवी कालका की छवि एक आत्मनिर्भर है। काला रंग देवी काली को दर्शाता है। सुबह आरती का आनंद ले चुके हैं देखो पूरा का पूरा। आज बहुत ज़्यादा शुरुआती दिन है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगा। सब लोग मुझे दर्शन के लिए ना वेट कर रहे हैं। मैं भी अंदर दर्शन मिल जाए तो मैं भी निकल जाऊँगा, थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। इसलिए मंदिर का निर्माण काला पत्थर से किया गया है। पिछले 300 वर्ष से कालका जी मंदिर यहाँ पे स्थित है। हालांकि लोक कथाओं के अनुसार मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा 1764 में बनाया गया था। हालांकि लोक कथाओं के अनुसार मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा 1764 में बनाया गया था। पहला ज्योत है ये, पहले ज्योत की आरती जो है लेने माना तो ये भी जाता है कि 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों द्वारा मंदिर का कालका मंदिर का निर्माण किया गया था। तब से देवी ने इस पवित्र स्थान को अपने निवास के रूप में लिया और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना शुरू किया। सुबह देखो रक्षा मान रहा हूँ मैं भक्तगढ़ में ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है दर्शन करने के लिए ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे आज पहला दिन है ना तो बहुत ज्यादा भीड़ है। आज तो कम है, पहले तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। अच्छा आज तो बहुत कम है, ना के बराबर है। अच्छा ना के बराबर। बाहर निकल भी तो नहीं रहा। कुछ लोग कह रहे हैं आज तो कुछ भी भीड़ नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। सुबह से यहाँ पे ना कुछ इमरजेंसी ऐसे आ जाएगा तो मेडिकल का भी फैसिलिटी है यहाँ पे, देख सकते हैं डॉक्टर बैठे हैं स्ट्रेचर से, सब चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी को सफोकेशन हो जाता है ना तो दिक्कत होती है, तो इसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है, ऐसी कोई टेंशन है नहीं। तो दो गेट हैं, तीन गेट हैं, उधर से भी गेट हैं, उधर से भी गेट हैं, चारों तरफ गेट हैं, तो कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हैं। वैसे देख सकते हैं यहाँ से, अभी तो खैर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा, यहाँ से भी गेट है, यहाँ से भी निकल सकते हैं। ये फ्लाईओवर है ना, फ्लाईओवर के नीचे से आप आ सकते हो इस तरह से। फ्लाईओवर के नीचे से भी इस तरफ से आ सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद अंदर घुस सकते हैं, दर्शन कर सकते हो। देखो लोग दर्शन कर रहे हैं अभी फिलहाल। काफ़ी भीड़ था, अभी काफ़ी कम हो गया। देखो लोग बात, ये वीआईपी वाला एरिया है जहाँ से आप अंदर एंट्री कर सकते हो। ये जो है लाइन लगा के आना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ से। ये दर्शनार्थी है जो भी लाइन लगा के आते हैं ना, वो इधर से आते हैं। भैया सुबह कितने बजे आए हैं? यहाँ पे 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे आए हैं, अभी तो 1.5 घंटा हो गया आप लोग। 10 बजे आए हैं, 1.5 घंटा हो गया लाइन लगे हुए। देखो बहुत सारे लोग हैं, सेवादार लोग जो है ना, नहीं ना हो ना तो यहाँ पे भीड़ भाड़। जय माता दी, जय माता दी, हमने बोलो जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी।
लाइन से आओ, दर्शन करो और जाओ। भगदड़ नहीं मचानी है, कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप लोग आइए, दर्शन करिए, खुशी खुशी जाइए। जय माता दी, ये है उत्साह, ये है उत्साह गाइस। आप सोच सकते हो कितनी उत्साह है। मैं तो फिलहाल जो है निकलने का टाइम भी हो चुका है, देखो लाइन तो अभी तक वहीं तक है, गेट तक ही लाइन है। एजेंट लोग है ना, उनका अलग से लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है, वो थोड़ा सा लगा मुझे। अदरवाइज सारे चीज़ें ठीक हैं, अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा लगा। फिलहाल निकलने का टाइम भी हो गया गैस। तो भैया आराम से, सब लोग लाइन लग के आते हैं यार, तुम अनोखे थोड़ी हो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे लेके लाइन लगा के आ रहे हो, तुम यहाँ से चढ़ रहे हो। संता देवी, छोटे छोटे बच्चे लेके लाइन लगा के आ रहे हैं और तुम लाइन पूरा बाहर तक लाइन लगा हुआ है। ये देखो लोग बाग, ओहो वहाँ तो और मुजस्मा बन गया गाइस। देखो बहुत लंबी लाइन है यार, वहाँ से लाइन ये बाहर से लाइन है क्या? कमल मंदिर से, कमल मंदिर के पीछे से है, कमल मंदिर के पीछे से लाइन है। तो बस बहुत लंबी लाइन लगी हुई है इसी की तरफ, तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ना आप अगर ऑटो से आते हैं तो अच्छी बात है, मेट्रो से आते हैं तो और अच्छी बात है, बस से भी आते हैं तो नेहरू प्लेस का बस स्टैंड है ही, उससे कोई दिक्कत है नहीं। अगर अपनी व्हीकल से आते हैं टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए तो 20 रुपीज़ पर आवर चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। सो आप जैसे भी आना है आ सकते हैं, दिक्कत है नहीं। सारी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग में कवर करने की कोशिश की, फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया, फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।